काफ़ी दूर जाना है और अभी भी यहाँ से दिखा रहा है 89 किलोमीटर। तो ऐसे करके पहाड़ों के बीचों बीच छोटा छोटा रास्ता है, पहाड़ों के बीच में छोटे छोटे रास्ते मिलेंगे। ये दिख रहा है ऊपर, दिस इज द मोरनलांग व्यू पॉइंट, वेलकम टू वारिलांग व्यू पॉइंट। ये देखिए डाउन स्टेयर होके ऐसे करके जाना पड़ता है और थोड़ा आगे जाएंगे तो ऐसा कुछ नज़ारा है देखिए। तो आज मैं इस KTM 250 को लेके जा रहा हूँ मोरनलांग व्यू पॉइंट मेघालय पे, विच इज अराउंड 150 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम गुवाहाटी। सो लेट्स राइड, लेट्स गो। रास्ता ठीक से पता नहीं है तो मैंने एक मोबाइल यहाँ पे लगा दिया हूँ, GPS देख देख के जाना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी दूर है, नहीं तो रास्ता भटक जाऊँगा। सो इस तरफ जाना है, सो लेट्स स्टार्ट द जर्नी। यहाँ पे जस्ट बारिश रुका है तो बारिश के पीछे पीछे मैं जा रहा हूँ, आगे आगे बारिश जा रहा है फिर पीछे पीछे। वाह क्या ठंडी ठंडी हवा आ रहा है, गुवाहाटी में इतना गर्मी था, यहाँ पे अभी धीरे धीरे करके मुझे ठंडा लगने लगा है। और अभी भी मेरा यहाँ पे मैप पे दिखा रहा है 111 किलोमीटर्स दिखा रहा है। बाप रे अभी काफ़ी दूर है भाई, ये देखिए। चलिए तो आते आते पहुंच चुका हूँ ओमियम लेक, इधर है ओमियम लेक का व्यू पॉइंट। बहुत सारे आदमी लोग यहाँ पे आके देखते हैं, इसे बहुत बार देख चुका तो नहीं देखने वाला। और मौसम बदल चुका है, ठंड लगने लगा है मेरे को और सब लोग मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि जैकेट वैकेट पहने हुए। तो काफ़ी दूर जाना है और अभी भी यहाँ से दिखा रहा है 89 किलोमीटर्स, शिलोंग को क्रॉस करके जाना है। सो लेट्स गो। वेलकम टू शिलोंग बड़ी, शिलोंग पहुंच चुका हूँ और सब लोग जैकेट पहने हुए, 24 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे मैं गुवाहाटी से जब आया 34 डिग्री सेल्सियस था और काफ़ी ठंड है, अभी जैकेट निकालना पड़ा, जैकेट लेके आया था थैंकफुली। देखिए सब लोग जैकेट पहन के घूम रहे हैं, जैकेट काफ़ी ठंड है भाई। शिलोंग मेन सिटी से तो नहीं जा रहा हूँ, सिटी से ज़्यादा तो मैं आप लोगों को सिटी देखा हुआ था, बाहर बाहर निकल जा रहा हूँ। आप लोगों ने सुना होगा कि मेघालय में ट्रैफिक रूल्स बहुत फॉलो करते हैं, तो मैं आप लोगों को लाइव दिखा रहा हूँ। ये देखिए मैं मेघालय शिलोंग क्रॉस कर चुका हूँ, उसके बावजूद खाली रास्ता है फिर भी कोई भी ओवरटेक नहीं कर रहा है, ये देख सकते हो आप, सारे लोग लाइन पे खड़े, इतना डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं ना, ये चीज़ मतलब इनकरेजिंग है, ये सीखने वाली चीज़ हम लोग, पता है। नहीं हो रहा भाई, इतना ठंडा है यहाँ पे, रोंगटे खड़े हो गए, जैकेट पहनना पड़ेगा। तो पहन चुका हूँ जैकेट, आप टेंशन नहीं है। रास्ता बहुत अच्छा है, रास्ता अच्छा है लेकिन काफ़ी ठंड लग रहा है, बारिश भी हुआ था, बारिश भी से रुक चुकी है। ये देखिए क्या मज़ेदार जगह, इसलिए एक लाइक कोटलैंड ऑफ इंडिया कहते हैं, ये देखिए मस्त लगता है ना। सो शायद आते आते अंधेरा हो गया, जो जितना डिस्टेंस दिखाया था मुझे दिखाया था 150 किलोमीटर, बट ये इट्स मोर देन 200 किलोमीटर्स आई थिंक। और इतना गांव के अंदर अंदर में है और यहाँ के आदमी लोगों का कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है, हिंदी समझ में नहीं आता, इंग्लिश ठीक से समझ में नहीं आता, तो पूछ पूछ के रास्ता भटक 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 के पहुँचते पहुँचते 6 बज गए आप लोग को क्या दिखाऊंगा रात को। तो सोचा कि यहाँ पे स्टे करके कल सुबह को सारा आसपास में जितने भी टूरिस्ट स्पॉट है इस साइड में सारा चीज़ आप लोग को दिखाऊंगा। ओके तो यहाँ पे मैं रह रहा हूँ, ये देखिए, और इतना ठंड है ना यहाँ पे कि ब्लैंकेट दिखा रहा हूँ, बिल्कुल भी दिखा, विदाउट ब्लैंकेट यहाँ पे रह ही नहीं सकते आप। ये देखिए मुझे ब्लैंकेट दिया गया है, ये देखिए ब्लैंकेट। तो कल मिलते हैं, कल सुबह को मिलते हैं, थक गया हूँ थोड़ा, तो खाने के लिए सामान वामान लेके आया हूँ, तो खा के सो जाता हूँ थोड़ा बहुत एडिटिंग करके। ये देखो मोरनलांग विलेज स्टार्ट हो चुका है और मुझे जाना है इस तरफ। तो ऐसे करके पहाड़ों के बीचों बीच छोटा छोटा रास्ता है, पहाड़ों के बीच में छोटे छोटे रास्ते मिलेंगे, पहुंचने से पहले कुछ इस तरीके का नज़ारा है भाई। दोस्तों ये देखो पहाड़ है, वैलीज है और नीचे नीचे पानी भी दिखाई दे रहा है और कुछ कुछ जगह में रास्ता थोड़ा ख़राब भी है, ये देखो। सो फाइनली आई एम हियर बट द गेट इज़ नॉट ओपन येट बिकॉज आई केम टू अर्ली, यू नो आई केम अर्ली इन द मॉर्निंग, पीपल आर सेइंग दैट इट ओपन्स at around you know 9 to 10 o'clock, so timely hua to main bahut jaldi aa gaya. Ye dekh raha hai upar, this is the Mornalong viewpoint, it's a very beautiful place, aap log dekh pa rahe honge na, main aap log ko rear camera se dikha raha hu. So look at there, can you see over there, there is a something you know upstairs or something like that.
आई हैव टू गो टू दैट प्लेस बट द गेट इज़ नॉट ओपन येट बट मैं तलर पर नीचे से थोड़ा दिखाने की कोशिश करूँगा। ये देखिए नीचे से कुछ ऐसा एक छोटा रास्ता है और क्या सुंदर नज़ारा है, देखिए ना। वाओ मैन, दिस इज़ द ब्रीथ टेकिंग, यू नो, ब्रीथ टेकिंग व्यू। ये देखिए, चलो अभी खोल गया होगा, उधर से इधर से होके जाना पड़ता है, मैं ऊपर लेके जाके दिखा। सो फाइनली आई एम हेयर। मेनी पीपल सेज दैट इट्स माउरिंगलोंग, बट माउरिंगलोंग इज अ विलेज, बट द व्यू पॉइंट नेम इज वारिलोंग। आई विल शो यू दैट वन ऑल्सो। एंड बिहाइंड मी देयर इज अ टिकट काउंटर, अभी तक टिकट काउंटर खुला नहीं है, तो मैं बिना टिकट के ही अभी ऊपर चला जाता हूँ और आप लोग को दिखाता हूँ कि ये यहाँ से दिखता क्या है। ओके, कैन यू सी दैट वारिलोंग, वेलकम टू वारिलोंग व्यू पॉइंट। ये देखिए, ये है जगह का नाम। ओके, आप लोग आएंगे तो वारिलोंग व्यू पॉइंट, माउरिंगलोंग विलेज पे है और इस जगह का नाम है, व्यू पॉइंट का नाम है वारिलोंग व्यू पॉइंट। तो बहुत सारे अपस्टेयर है, अपस्टेयर इसे क्लाइंब करके ऊपर जाना पड़ता है। चलिए ऊपर तक, वो वहाँ तक जाना है। तो आते आते एकदम ऊपर तक आ गया हूँ, चढ़ गए। ये अम्ब्रेला लाइक एक बिग शेप का बना हुआ है सेट। और ये देखिए, वाओ मैन, लुक एट द व्यूज। ये देखिए, इधर भी कुछ है, उससे पहले मैं इधर दिखा देता हूँ। इधर देखिए, पूरा पहाड़ दिखता है, मतलब यहाँ से देख रहे हैं आप लोग। और मैं यहाँ का 360 एंगल दिखाता हूँ, काफ़ी ऊँचा है, थक गया थोड़ा सा। ये देखिए क्या सुंदर पहाड़ है ना, और ब्रीथ टेकिंग जो व्यू कहते हैं ना, इसको कहते हैं ब्रीथ टेकिंग व्यू। तो इस साइड में थोड़ा सा जंगल है एंड बहुत सुंदर जगह है, और वो जो दिख रहा है वहाँ तक जा सकते हैं, तो ऐसे करके जाना पड़ता है, वहाँ तक जाते हैं। चलिए ऐसे फिर से डाउन स्टेयर होके ऐसे करके जाना पड़ता है। चलिए नीचे तक, सुंदर है ना, देखिए इट्स यूनिक है भाई। यहाँ पे आप लोग आएंगे ना मेघालय में, इसलिए स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया कहते हैं, कि पहाड़ वगैरह जो वादियाँ है ना, जो वैलीज है, कुछ अलग ही दिखता है। अब जितने भी दूसरे स्टेट्स में सब वादियाँ देखेंगे, उससे थोड़ा अलग होता है यहाँ का। अरे पीक पे ही, मतलब बहुत ऊँचा जगह पे है। देखिए क्या सुंदर नज़ारा है ना, शांति ही शांति है यहाँ पे। और एक साइड में कुछ ऐसा है, ऐसा कुछ फेंस बना हुआ है और एक छोटा सा रास्ता है, बहुत साफ सुथरा रास्ता है। प्लास्टिक फ्री जोन लिखा हुआ जगह जहाँ पर, तो यहाँ पे प्लास्टिक वगैरह फेंकते नहीं यहाँ पे। और इधर झूलना वगैरह है, कुछ खेलने का चीज़ें हैं, बच्चे को लेके आने से आप लोग बच्चे को खिला भी सकते हो। चिल्ड्रन पार्क टाइप का कुछ बना हुआ है यहाँ पे, और मैं वहाँ पे नहीं जाऊँगा, तो इधर से लेके जाके दिखा रहा हूँ। मैं बहुत दौड़ रहा था इसलिए थोड़ा थक गया हूँ। तो देखिए, दिस इज़ द वारिलोंग व्यू पॉइंट, व्हिच इज़ लोकेटेड इन माउरिंगलोंग विलेज इन साउथ वेस्ट खासी हिल्स ऑफ मेघालय। ओके, ये देखिए, चले वहाँ तक लेके जाके दिखाता हूँ। और ये है मेन जगह जहाँ से पूरा नज़ारा दिखाई देता है, इधर उधर का नज़ारा। फ्रॉम हियर यू कैन सी द 360 यू नो व्यू ऑफ दिस हिल्स। ये देखिए, वाह है ना कमाल का। ये देखो, डाउन देयर देयर इज अ स्ट्रीम, फ्लोइंग स्ट्रीम, वहाँ पे एक फ्लोइंग स्ट्रीम है। देखिए क्या सुंदर नजारा है, मेरे ख्वाबों की गलियों में तू है, फूलों में गलियों में, या मेरे ख्वाबों की गलियों में, ये हवाएं गुनगुनाएं। और थोड़ा आगे जाएंगे तो ऐसा कुछ नज़ारा है, देखिए, वाओ मैन क्या सुंदर जगह है ना। वाह, ये देखिए, आइए आप लोग भी, आप लोग को भी आना चाहिए, एक बार तो आना चाहिए इस जगह पे, क्योंकि आप लोग को अगर पीस चाहिए ना, अगर ज़्यादा स्ट्रेस पे हो, पीस चाहिए, शहर पे हो, ज़्यादा क्राउड पे हो, टेंशन पे हो, या ज़्यादा घर पे रह रहे हो, तो आप लोग को यहाँ पे आना चाहिए। यहाँ पे आएंगे तो पीसफुल, एक पीसफुलनेस आपको मिलेगा, मेंटल जो पीस होता है ना, मेंटल पीस जो कहते हैं, वो मिलेगा आप लोग को यहाँ पे आएंगे तो। ये देखिए
क्या खूबसूरत जगह है, क्या नजारा है, क्या दिख रहा है ये। और नीचे है स्ट्रीम में, एक नदी भी है नीचे, जूम करके थोड़ा दिखा रहा हूँ, फंस जाएगा ज़्यादा जूम करूँगा तो। इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस, इट्स अ वेरी नाइस प्लेस, द यू नो द वैलीज आर वेरी ब्यूटीफुल एंड प्लेस इज काम पीस, देर इज नो पॉल्यूशन, देर इज नो साउंड पॉल्यूशन, देर इज नो एयर पॉल्यूशन, साइलेंस, यू नो द प्लेस इज वेरी काम, पीसफुल प्लेस, यू नो एंड नो डिस्टर्बेंस इज देर एंड आई कैम वेरी अर्ली सो देर इज नो बॉडी एल्स, नो अदर्स टूरिस्ट एक्सेप्ट मी। सो I'm ending this video, signing out from this video. So I'm visiting to next place. There is a monolith, which is also located in the same district of Meghala, southwest Khasi Hills district. So I'm going to that next place. So see you in my next content. So, keep following my my channel Ranbir Hanse Vlog. I'll upload more and more videos. I'll explore more and more videos. Okay, more places. I mean. So see you in my next content. So till then, take care. Bye bye. See you.